नमस्कार, मैं शिफाली स्वागत करती हूँ आपका ले लद्दाख की वादियों में द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ का एक और नया एपिसोड लेकर। तो आइए स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज तक 12 घरों के बारे में इतनी बारीकी से किसी ने नहीं बताया मुझे। मैंने 5-7 एस्ट्रोलॉजर से एस्ट्रोलॉजी सीखी है, लेकिन जो आप बोलते हो वो किसी ने आज तक नहीं बताया। आज हम 12 घरों के बारे में बातें करेंगे और आज मुझे उस चीज का निवारण भी चाहिए। बहुत बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आपने आज पूछा कि जो 12 घरों से क्या क्या देखा जाता है, आपके कहने का मतलब ये है, आपके कहने का मतलब ये है कि आज तक जितना किताबों में लिखा गया है, आज तक किताबों में सिर्फ 2-4 बातें ही लिखी जाती हैं। अगर मान लीजिए, अगर मैं बात करूं पहले घर की, मान लीजिए पहले घर में ज़्यादातर किताबों में ये लिखा गया है, सुंदरता, देह, आपका शरीर, लगन, आत्मा और पहला घर का कार्यकल, सूर्य, चंद्र, बस किताबों में तो इतना कुछ लिखा गया है। लेकिन घरों के बारे में बताया ही नहीं गया कि आपके पहले घर से क्या क्या देखा जाता है। पहले घर से 50 चीज़ें देखी जाती हैं, पता है आपको? चलो बता देता हूँ। आज इन्होंने बात की घरों के बारे में, बताइए कि घरों में क्या क्या देखा जाता है। 50 चीज़ें देख लेते हो आप। जो मेरी भोली भाली जनता है, जो एस्ट्रोलॉजर नहीं जानती, एस्ट्रोलॉजी नहीं जानती, जिसे ज्योतिष के बारे में पता ही नहीं है, उसे क्या पता पहला घर, दूसरा घर। मैं आप सबको समझाता हूँ। जो पहला घर, जहाँ पे ल लिखा होता है, ल का मतलब लगन, वो पहला घर होता है। अगर पहला घर खाली हो, उससे क्या देखा जाता है? पहले मैं आपको सबको समझा दूं कि क्या देखा जाता है। पहले घर से देखा जाता है आपका लगन, भी आप कैसे हो, आपकी नेचर, आपकी नेचर कैसी है, वो भी पहले घर से देखा जाता है। आपकी सुंदरता, आप कैसे, कितने सुंदर हो, पहले घर से देखा जाता है। पहले घर से देखा जाता है आपके धन का व्यय, आपका धन, जो आपका धन है दूसरा भाव, उसका व्यय कहाँ पे खर्च करोगे, कैसे खर्च करोगे, कि धन खर्च कर पाओगे। कई दफ़ा तो इंसान कंजूस होते हैं, कई दफ़ा इंसान करते हैं बहुत दलेर होते हैं पैसा खर्चने में, यह भी लगन से ही देखा जाता है। आप जो काम करते हो, जितना आप काम करते हो, उसका लाभ क्या, आपका काम कर्म, उसका लाभ मिलेगा आपको। ये जो आपका कहते हैं ना पराक्रम, जोश, जोश का लाभ, जो जोश लगा रहे हो उसका पैसा वसूल होगा, ये भी पहले घर से ही देखा जाता है। आपको पता है पहले घर से 500 चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन आज तक किताबों में नहीं लिखा जाता, ना ही लिखा गया है। आपको पता है आपका जो सुख लेते हो, उसका सुख किस कर्म से आया, क्या किया जो सुख आएगा, वो भी पहले घर से ही देखा जाता है। आपको पता है जो आपकी औलाद हुई, उसका भाग्य उदय कैसे होगा, वो भी पहले घर से ही देखा जाता है। देखिए यहाँ पे मैं ज्योतिषियों को लिए तो बहुत अच्छा एपिसोड है, ये हमारे भोली भाली जनता के लिए भी है। मैं पहले घर की अभी बात कर रहा हूँ, दूसरे घर पे नहीं पहुँचा। पहले घर से कितना कुछ देखा जाता है, लेकिन इसका निवारण भी बताऊँगा। अगर इसमें ये बुरा ग्रह बैठा तो उसके लिए ये खराब होता है, वो मैं सब के लिए, सभी अपनी कुंडलियाँ खोलिए, उसका निवारण भी बताऊँगा, क्योंकि शिफाली जी ने पूछा मुझे निवारण भी चाहिए। क्या घरों के जब कोई बुरा ग्रह बैठता है तो उसका असर क्या होता है, वो बाद की बात। पहले मैं पहले घर में के बारे में बताऊं, पहले घर से क्या क्या देखा जा सकता है। कितनी अच्छी बात है, लेह लद्दाख की वादियों पे कभी बादल, कभी बरसात, कभी धूप, कभी सर्दी, कभी गर्मी, यहाँ मौसम का पता ही नहीं चलता। और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ चट्टानों के ऊपर, कितना अच्छा माहौल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इतनी शांति है। सबसे बड़ी बात बता दूँ, फोन नहीं बज रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लेह लद्दाख की वादियों में नेटवर्क नहीं आता, एक ही नेटवर्क है, वो मैं लेके नहीं आया। मैं यहाँ पे 5-7 दिन शांति के बिताने आया हूँ। वैसे तो लोग मेडिसिन के लिए जाते हैं, मेडिसिन करने के लिए, कि मैं अपना ध्यान लगाऊँ, मैं अपना इतना ध्यान लाऊँ भगवान की ओर पाऊँ, लेकिन मैं मेडिटेशन नहीं करता, लेकिन मैं इन शांत हवाओं में, शांत वादियों में जाता हूँ, वहाँ से कुछ अच्छा सीख के आता हूँ, वहाँ से कुछ वादियों के बारे में जान के आता हूँ, जो आपके, आपको बताता हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि हमें दुनियादारी से 5-7 दिन के लिए थोड़ा सा दूर होना चाहिए। ये नहीं, जब हम दुनियादारी में आते तो मुझे मैं की याद आती है कि मैं ये मैं वो। अगर हम अपने दुनिया से दूर रहते हैं तो हमें हम की याद आती है, हम ये करते थे, हम क्या करते थे। हम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आप सबको हम में बदलना चाहता हूँ, जो आपकी मैं है वो मैं बताऊँगा कैसे, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ज़रूर सब कुछ बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे बोचे थे, आपको पता है आपका नानका परिवार की मृत्यु कैसे होगी, ये भी आपके पहले घर से ही देखा जाता है। ये भी आपके पहले घर से देखा जाता है कि आपके जो नौकर चाकर होंगे वो कैसे होंगे। पता है आपको, आपकी नौकर चाकर होते हैं तो क्या करते हैं, चोरी चकारी कर लेते हैं, आपका सामान उठा के ले जाते हैं। ये पता कहाँ से आता है, आपके लगन से। पता है आपको, पता है आपको, अगर आपके लगन में कोई राहु ग्रह गुजरा, वहाँ से चंद्र गुजरा, तो आपका नौकर चोरी करके भाग जाएगा। आप बोलोगे अगर किसी नौकर को रखना है ना, तो ये देखिए जिस वक्त नौकर को रख रहे हो उस वक्त का गोचर कैसा है आपके लगन में, कहीं नौकर चोरी चकारी वाला तो नहीं रख रहे। लेकिन बहुत बारीकी में है हर बात को जानना, ज्योतिष तो इतनी बारीकी में है। ऐसे ही नहीं, राजा जो जितने बड़े बड़े राजपुरोहित हुआ करते थे, और राजा हुआ करते थे, पहले बुलाते थे, हे राजपुरोहित आ मेरे सामने आ, मैं ये नया वजीर रखने वाला हूँ, बता इसके बारे में ये कैसा है। वो राजपुरोहित क्या करता था, देखता था ये ये हमारा वजीर हमें क्या बेनिफिट दे सकता है, क्या नुकसान दे सकता है। पहले हर राजा के पास एक ज्योतिषी हुआ करता था। चलो यहाँ पे मैं भेद नहीं खोलना चाहता, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े हमारे हिंदुस्तान के लोग जितने भी हैं, नाम नहीं लूँगा, सब के पास एक राजपुरोहित है। सबके पास, चाहे वो गुप्त रखते हैं, चाहे वो कैसे भी है, चाहे वो अपने ऑफिस में बुलाते हैं, चाहे अपने घर में रखते हैं, एक पंडित ब्राह्मण एस्ट्रोलॉजर जरूर रखते हैं, जिससे वो दिशा अपनी दशा जान सके और सही रास्ता पूछ सके। लेकिन हम कहते हैं हम नहीं जी मानते, हम नहीं जी करते। चलो मुझे ये बताइए, आपकी कुंडली में जब कभी राहुल लगन में होता है, एक छोटी सी बात बोलने वाला हूँ कि आपको पता है जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने पास राजपुरोहित यानी कि एस्ट्रोलॉजर रखते हैं, जिसे दिशा और दशा जानने के लिए। लेकिन हम कहते हैं हमने जी मानते, मुझे कैसे पता कि राहु जब भी लग्न में होता है, मान लीजिए आपके सामने कोई बहस नहीं पाएगा, आपके पास हर बात का जवाब होगा, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे वो अपनी एस्ट्रोलॉजी भूल जाएगा, आपको कोई सही जवाब नहीं दे पाएगा, आप जाके बोलोगे हाँ जी बताइए जी, वो आपके सामने बोल नहीं पाएगा, चाहे जितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर, वही जान पाएगा, वही बता पाएगा जिसका आपसे भी बड़ा बढ़िया राहु हो। वही आपको कहते हैं ना, जब शेर को सवा शेर मिलता है तो ही पता चलता है। तो राहु लगन का शेर होता है, उसके पास सवालों का भंडारा होता है। अब मुझे कैसे पता, मुझे ये बताइए, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी है, ये हमारी साइंस है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब हमें चेक कीजिए, हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, हम बोलते पता क्या बोलते हैं, आपकी कुंडली देखी शनि पंचम में आया, आपकी कमर में दर्द रहने वाला है, आप में पथरी होने वाली है, ये जो होती है ना लेफ्ट राइट राइट कमर में दर्द होने वाला है, दर्द हो रहा है। वो बोलता हाँ क्यों नहीं हो रहा, हमें दर्द हो, आपको कैसे पता। ये हमारी एस्ट्रोलॉजी है, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी है कि जब कभी गोचर में शनि कहाँ गया, जब कभी गोचर में आपके मंगल एट हाउस में आ गया तो लेफ्ट टांग के ऊपर चोट लगने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य के साथ मेल हो रहा है, सर्जरी होगी। हमें कैसे पता, हमें कैसे पता, जब हमारे पास कोई भी टेवा आता है, पत्रिका आती है, मैं सीधा ही बोल देता हूँ माथे के ऊपर आँख के पास चोट का निशान है, वो हमें कैसे पता, हमने तो कुछ नहीं देखा, आपकी शक्ल तो देखी नहीं। अब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मुझे चेक कीजिए, मेरे यहाँ खून निकला, डॉक्टर साहब खून निकला, हमें कुछ नहीं देखने की जरूरत, हमें अपनी पत्रिका दिखाइए, हमें पहले से पता चल जाता है। ये हमारी साइंस बहुत बड़ी थी, उसे धीरे धीरे लोगों ने धंधा बना लिया, लूटना शुरू कर दिया, इस एस्ट्रोलॉजी को, इस साइंस को ख़त्म कर दिया, खोज करने की कोशिश ही नहीं की। अब ये बातें तो मैं स्टूडियो में बैठ के कर सकता था, लेकिन इतनी दूर आने का मेरा मकसद ये है कि मैं आप सबको समझा सकूं। ज़रूरी नहीं होता हर एक इंसान स्टूडियो में बैठ के आपको लूट रहा है, ज़रूरी नहीं होता
हर इंसान गलत हो। ज़रूरी नहीं होता हर इंसान आपके बारे में ना सोच रहा हो। हर इंसान, वह छोड़ो हर इंसान की बात, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको इतना सब कुछ बताऊं जो मेरे भीतर ज्ञान है, जो मेरे भीतर बारीकियां हैं, वो सब कुछ बताऊं। अभी पहले घर की बात कर रही थी, शेफाली ने तो पूछा 12 घर, तो 12 घर तो पूरे नहीं होंगे, ये 12 एपिसोड निकल जाएंगे, पहला घर पूरा कर दूँ। पहले घर से आपकी पत्नी की डेली इनकम देखी जा सकती है। अगर आपकी पत्नी कोई काम करेगी तो डेली इनकम कैसे होगी वो आपके पहले घर से पता होगा। आपके, अगर आप पहले घर से आपकी पति की डेली इनकम देखी जा सकती है, पहले घर से आपकी पति का ओपोजिशन देखा जा सकता है, पति का पहले घर से पता है कितना कुछ देखा जा सकता है। अभी तो चीज़ें मेरी पूरी नहीं हुई। पहले घर से आपके ससुराल का नुकसान देखा जा सकता है। कैसे नुकसान होगा कि आपका जुआई आने वाला है आपको नुकसान तो नहीं देने वाला, ये पहले घर से ही देखा जाता है। पहले घर से देखा जाता है जो आपकी पैतृक संपत्ति मिलने वाली है उसका, वो कहीं ऐसे ही नहीं जा रही, वो मिलेगी। अगर मिलेगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं जानते। पहले घर से पता है आपको, आपके भाग्य में लाभ लिखा है वो भी पहले घर से ही पता चलता है। आपका भाग्य एकदम से अचानक जागेगा वो पहले घर से ही पता चलेगा। पहले घर से पता चलेगा जो आप काम करते हो। देखिए अब कितना अंधेरा, शैडो यहीं पर ऐसे ही होता है। पहले घर से आप जो काम करते हो उसका सुख मिलेगा, ये भी पहले घर से देखा जाता है। जिंदगी में हर तरफ दुखी दुख, और दुखों की कोई सीमा नहीं, हर तरफ संघर्ष है, चारों तरफ कश्ती कश्ती, चारों ओर तकलीफें, असफलता, कुंठा, निराशा, ये सब अनेक नाम है दुखों के। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। जिंदगी में एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, और जब जिंदगी में दुख आता है तो साया भी अपना साथ छोड़ देता है, अपने भी पराए। ऐसे में अपना दुख किससे कहें? कौन है जो आपका सच्चा हमदर्द है? क्या आपको कोई उम्मीद है? जी हाँ, उम्मीद की एक किरण है, एक शख्स है, और वो शख्स है जो आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए खड़ा है, और वो है विश्वविख्यात ज्योतिषों के गुरु प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। नमः शिवाय। जो पिछले कई सालों से प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी अपने ज्योतिष के गहन अध्ययन से लाखों लोगों को उनके कष्टों से छुटकारा दिला चुके हैं। प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी की एक खासियत है कि वो जो भी बात करते हैं वो गहरी शोध और लॉजिक के साथ करते हैं, ताकि लोगों में भ्रम और अंधविश्वास ना हो। ज्योतिष के ज्ञान को वो लोगों में बांटना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है अपना सहारा खुद बनाना। प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी आज अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बल पर देश के उन चंद ज्योतिष गुरुओं में से एक हो गए जिन पर लोगों का अटूट विश्वास है। उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां सच हुई। उन्होंने लाखों लोगों को उपाय बताए हैं, उससे उनकी जिंदगी के दुख दर्द खत्म हो गए। जाने कितने लोगों को रोजगार, पढ़ाई, शादी में, कोर्ट कचहरियों की किल्लत, विवाह में, गरीबी में, बीमारी में, ऐसे कितने कष्टों से निजात दिलाई, और उसके लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सच्ची ताकत है ज्योतिष विद्या का ऐसा ज्ञान जो बहुत कम लोगों के पास है। ज्योतिषों के गुरु प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी,
चलो प्रोफेसर साहब, आप ये बता दिए जिसको आप पहला घर बोल रहे हो, जिसको हम लोग लगन बोलते हैं, फिर कौन सा लगन में ग्रह होना चाहिए? कौन सा लगन में ग्रह होना चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो? हाँ, सबके लिए अच्छा हो, जो आम जनता को भी पता चले कि पहले ग्रह से हमें क्या पता चलता है, पहले घर से हमें क्या पता चलता है। बहुत अच्छी बात। पहले घर में अगर कहीं गुरु आ जाए, ये था सतयुग की बातें, बहुत ध्यान से सुनिए। सतयुग में जब कभी गुरु आ जाता था पहले घर में, तो हम कहते थे ये टेवा बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल नहीं बोलते प्रोफेसर साहब, आजकल तो बोलते हैं मेहनत पे मेहनत करवाएगा लेकिन फल नहीं देगा। ले आप खुद ही बोलते हैं प्रोफेसर साहब। ये मैं बोलता हूँ कि गुरु लगन में अच्छा नहीं होता, लेकिन किताबें बोलती हैं गुरु पहले घर में बहुत अच्छा होता है। मैं कहता हूँ पहले घर में कलयुग में गुरु अगर लगन में आ गया, मेहनत पे मेहनत करवाएगा, फल नहीं लेने देगा। देखिए ग्रहों में कितनी बारीकी है। अगर मैं आपको बोलूं आजकल कलयुग में शनि लगन में अच्छा होता है तो आकर्षित करता है, दूर से दिखाई देता है, काली शिखा, काली पहाड़ी हो, सबसे पहले काली पहाड़ी के ऊपर हमारी नजर जाएगी। क्या बात है, कितनी सुंदर, इतनी काली पहाड़ी। अगर काली शिखा हो, मान लीजिए शनिदेव की प्रतिमा ही हो, शनिदेव की मूर्ति बनाई हो, हमारे एकदम से सामने आ जाती है, क्या बात है, शनिदेव महाराज, ओम नमः, ओम शम शंचराय नमः। कितनी बड़ी बात है कि हम काली चीज़ आकर्षित करते हैं, जैसे कि मैंने काला स्वेटर और काला ये पैंट डाल रखी है, ज़्यादातर लोग ब्लैक चीज़ को आकर्षित करते हैं। प्रोफेसर साहब, ये तो पूरा एपिसोड मेरा 12 ग्रहों पे था, लेकिन आपने तो लगन ही नहीं छोड़ा, अभी तक दूसरा ग्रह कहाँ है? 12 घरों के बारे में बताता हूँ, 12 ग्रहों के बारे में बताता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं मतलब 4-5 एपिसोड हो जाएंगे। नहीं, मैं आपको इसी में ही पूरा करूंगा, क्योंकि मेरी यही कोशिश होगी शॉर्ट कट में आपको एक घर के बारे में बताऊं और 12 घरों के बारे में पता चला जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको लमका दूं, इतना दूर समझाता रहूं। समझने में मैं ये समझाना चाहता हूं, एस्ट्रोलॉजी किसी के पास नहीं है, कोई बारीकी में नहीं बता सकता, एस्ट्रोलॉजी को जानना बहुत मुश्किल है। आज तक कोई एस्ट्रोलॉजी को ना जान पाया, ना ही किसी ने जानने की कोशिश की। मैं ही हूँ, मैं भी खोज करता रहता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं अपने आप को ये नहीं मानता कि मैं टीचर बन गया। चाहे मैंने हज़ारों स्टूडेंट बना लिए हैं, चाहे मेरे हज़ारों स्टूडेंट हैं, पहले मैं पढ़ाता था, आजकल नहीं पढ़ा रहा, मेरे पास समय नहीं होता। मुझे ये लगता है कि जब तक मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्यों ना खोज करूँ, नई कुछ बातें याद करूँ, कुछ नया सीख के आऊँ और आपको बताऊँ। इसलिए अगर लगन में राहु आ जाए तो अच्छा नहीं होता, अगर लगन में सूर्य आ जाए तो भी अच्छा नहीं होता, अगर लगन में चंद्र आ जाए तो भी अच्छा नहीं होता, अगर लगन में मंगल आ जाए तो भी अच्छा नहीं होता, अगर लगन में गुरु आ जाए तो भी अच्छा नहीं, शुक्र आ जाए तो भी नहीं, बुध आ जाए तो भी नहीं, राहु आ जाए, केतु आ जाए, तो मुझे पहले ही पता था। शिफाली, कौन सा ग्रह अच्छा है? शिफाली जी, मान लीजिए मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ, आप मेरे साथ नहीं बैठे, ये कैमरा मैन, हमारी टीम, ये 2 गाड़ियाँ, कोई भी मेरे साथ ना हो, मैं घर में अकेला बैठा हूँ, क्या मेरा ये दिल लगेगा? नहीं लगता। इसलिए अकेला ग्रह कोई भी कहीं भी बैठ जाए सही नहीं होता। अगर गुरु के साथ चंद्र आ जाए पहले घर में बहुत अच्छा होता है, गजकेसरी योग बन जाता है, गजकेसरी योग बनता है। अगर सूर्य के साथ बुध आ जाए तो बुध आदित्य योग बनता है। अगर शुक्र के साथ चंद्र आ जाए महालक्ष्मी योग बनता है। ये कलयुग में ही लगन, जो लगन में जो अगर 2 ग्रह बैठ जाते तो अच्छे होते हैं, अच्छा। अगर 1 ग्रह बैठता तो अच्छा नहीं होता। जैसे कि मंगल और चंद्र लक्ष्मी योग बन गया, ये अच्छा होता है लगन में आ जाए, लेकिन कौन सी राशि में आ जाए ये देखना पड़ेगा। शिफाली जी, टेस्ट डाल दिया आपने। ये कुंडली देख के पता चलेगा। नहीं शिफाली जी, आप तो ये तो आपको भी पता है, कुंडली देख के हमें पता चलता है कि वाकई में लगन में कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है। जैसे कि मान लीजिए आपका लगन मेष है तो 50% आपने कुंडली ठीक कर ली। वो क्यों? क्योंकि पहला घर, पहले घर में राशि भी मंगल की, पहली जमीन भी मंगल की, ऊपर जो घर बनाया वो भी मंगल का, 50% कुंडली ठीक कर दी। अगर वृष लगन आ गया तो कुंडली नहीं ठीक, अगर मिथुन लगन आ गया तो भी नहीं ठीक, अगर कर्क लगन आ गया कुछ ठीक, अगर सिंह लगन आ गया तो कुछ ठीक, अगर कन्या लगन आया तो भी नहीं ठीक, अगर तुला लगन आया तो भी कुछ ठीक, अगर वृश्चिक लगन आया तो भी कुछ कह सकते हैं ठीक है, अगर धनु लगन आया है तो बहुत अच्छा है। ये मैं लगनों के बारे में बता रहा हूँ, कौन से लगन अच्छे हैं, कौन से लगन बुरे हैं।
अगर मकर लग्न आ गया तो भी नहीं ठीक, अगर कुंभ लग्न आया तो भी नहीं ठीक, अगर मीन लग्न आया तो भी ठीक। ये क्यों मैंने बताया पता है आपको, ठीक और क्यों नहीं ठीक, ये मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि घर बैठे मेरे जो लोग हैं, मेरा जो परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता होना चाहिए कि अगर लग्न में 12 नंबर राशि आ गई तो कुंडली ठीक। ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, वो अलग वो बात की बात है, केंद्र भरा है केंद्र खाली है, 6, 8, 12 में कौन से ग्रह हैं, कि 3 त्रिगो भाव में क्या है, ये बात की बात है। लेकिन अभी मैं लग्न की बात बोलूँ, अभी मैं समझाता हूँ मैं क्यों ठीक बोला क्यों नहीं ठीक बोला। काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में पहला घर मंगल का होता है, जो मंगल के मित्र ग्रह आएंगे तो वो पहला घर बढ़िया होगा, अगर मंगल के दुश्मन ग्रह आएंगे लग्न में तो वो लग्न अच्छा नहीं होगा। बस सिंपल सी बातें, मेरी बातें बहुत आसान होती हैं, लेकिन कुंडली जरूर मैं देखूंगा कि वाकई में आपकी कुंडली में कौन सा लग्न बन रहा है। प्रोफेसर साहब, आज तो मैंने 12 घरों की बातें की थी, लेकिन आपने सारा एक ही लग्न में बता दिया, एक ही घर में बता दिया, इसीलिए तो आपको प्रोफेसर साहब बोला जाता है जब आप एक ही चीज में सब कुछ बता देते हो। आज प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा बताया, मैं भी 4-5 एस्ट्रोलॉजर से एस्ट्रोलॉजी सीख चुकी हूँ, जो प्रोफेसर साहब बताते हैं वो बाकी एस्ट्रोलॉजर इतना अच्छा नहीं बता पाते। अगर आप भी प्रोफेसर साहब से मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे लिखे अपॉइंटमेंट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। भगवान के रूप में लक्ष्मी जी को पेश किया, मैंने एक वादा भी किया था, मैंने कहा था कि इसमें जो जो मैंने धातुओं डाली है, पहले मैं आपको इसको धातुओं का थोड़ा सा वर्णन बता दूं, तब के आपको पता चले कि कौन सी धातु किसके लिए होती है। ये जो गोल्ड शुद्ध गोल्ड प्लेटेड मैंने किया है, ये है सूर्य की धातु, शुद्ध गोल्ड सूर्य का होता है, मिशन गोल्ड गुरु का होता है, ये आज तक नहीं पता। किताबों में तो लिखा है गोल्ड गुरु का होता है, लेकिन गोल्ड के बारे में बताया ही नहीं गया, ये शुद्ध गोल्ड सूर्य का बताया गया है। लेकिन ये पूरी धातु ब्रास की है, पीतल की, ये पीतल जो होता है ये गुरु की धातु मानी गई है। इसमें कुछ चीजें मैंने चांदी की डाल रखी है, चांदी जो होती है लक्ष्मी का कारका होता है। इसमें मैंने जो की लगा रखी है वो कॉपर की लगा रखी है, कॉपर जो होता है मंगल का कारका होता है। वैसे मंगल सूर्य को भी कॉपर बोला जाता है, लेकिन भाई सूर्य की कॉपर धातु नहीं होती, सूर्य की शुद्ध धातु होती है 24 कैरेट सोना। लेकिन इसके ऊपर जो कॉपर के मैंने बना रखे हैं, जो कील लगा रखी है, वो है मंगल की धातु। थोड़ा सा कांसे का मिश्रण किया गया है, लोहे का मिश्रण जो नीचे से, क्योंकि मैं पूरा ये चाहता था कि इसमें सभी ग्रहों की आशीर्वाद हो, सभी ग्रहों का, ये नहीं कि मैंने एक धातु से मैंने बना दिया और आपको वो चीज दे दी। इसकी पॉजिटिविटी मैं आपको साइंटिफिक रीजन से यहां पे बताऊंगा कि कितनी पॉजिटिविटी देती है, वो मैंने मशीनें मंगा रखी हैं, आपको पता चलेगा कि इसके में जो धातु है, जो लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है, कितना इसके इसमें पॉजिटिविटी है। इसको घर रखने से ही पॉजिटिविटी आती है। लक्ष्मी जी हमेशा आज तक आपने बैठे हुए रूप में देखे हैं, लेकिन छैया के रूप में बिल्कुल नहीं देखे। आज मैंने जो ये रूप बनाया है, लेकिन उठने को और बैठने को वक्त लगता है। जो ये प्रतिमा रखेंगे उनके घर में लक्ष्मी का सदैव वास हो जाएगा, और मैं यही चाहता हूँ कि भगवान करे आपके घर में ये वास हमेशा रहे। और जब कहते हैं ना दुख दरिद्र बीमारी, ये लक्ष्मी जी से ही दूर होते हैं। कहते हैं पंजाबी दी फिर कहावत मैं जरूर बोलूंगा लाहौर दी, क्योंकि मैं पीछे से लाहौर का हूँ, कहते जिस दी झोली दाने उंदे कमले भी सियाने, पुरानी कहावत है साड़ी। इस करके जे लक्ष्मी जी का जहां पे जिसके पास पैसा होगा उस पे पास कहां दुख कहां दर्द कहां रहेगी बीमारी, सब दूर हो जाएगा। यही मैंने 15 साल की खोज आपके सामने पेश की है। धन का भंडार भरने के लिए लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र घर लाइए। माँ लक्ष्मी जो शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजित है, पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ये रूप धन और समृद्धि की अनुपम वर्षा करता है। ये यंत्र आर्थिक उन्नति तो लाता ही है, साथ ही घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है। इस यंत्र का महत्व अनंत है। शरीर में मौजूद 7 चक्रों को संतुलित करने का काम भी ये यंत्र करता है।
जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आपके रुके हुए कार्यों से रुकावटें भी दूर करने का काम ये चमत्कारी यंत्र कर दिखाता है। जीवन की अड़चने भी दूर होती हैं इस यंत्र के प्रयोग से। घर से निकलने से पहले हमेशा याद रखें कि माँ लक्ष्मी के शैया विराजित स्वरूप का दिव्य दर्शन अवश्य करें। लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने अपने 15 सालों की मेहनत से ढूंढ कर निकाला है। ये यंत्र जीवन में वो परिवर्तन संभव कर दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन से हताशा, निराशा, गरीबी को सदा सदा के लिए दूर भगाने का मांगलिक उपाय है अब आपके पास, लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। तो आज ही ऑर्डर करें दिव्य लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र और जीवन में समृद्धि और वैभव की निर्मल गंगा बहाएं।